नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। ट्रैक्टर की पलटने से दो लोगों की मौत हो गई है। खबर भोजपुर से सामने आई, जहां गुस्साए लोगों ने सीओ की गाड़ी को फूंक दिया है और पुलिस पर पथराव भी किया गया। बिहार के भोजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सर्किल ऑफिस के बाहर जो वाहन को भी आग लगा दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने बवाल काटते हुए पुलिस पर पथराव किया है, जिसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। मौके पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ट्रैक्टर पलट गया, जिससे दो आदमी का मौत हो गया। जिसे आक्रोश में जनता ने आकर चौक जाम कर दिया और पुलिस और पब्लिक में के बीच ईंटा ढेला और मारपीट। एसीओ की गाड़ी में भी आग लगा दिया पब्लिक ने, ना राइफल उफल भी छिनाया है क्या? सुनने में तो आ रहा है। तो अभी क्या आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है, मुखिया है ना यहाँ के, तो आपके तरफ से लोगों को समझाया गया है क्या? समझा रहे हैं सभी लोग को कि अपने अपने घर जाइए। जिनकी मौत हुई उनकी पहचान हुई है क्या? अभी तक तो नहीं हुई। ट्रैक्टर पलट गया, जिससे दो आदमी का मौत हो गया। जिसे आक्रोश में जनता ने आकर चौक जाम कर दिया और पुलिस। रुक करते अगली खबर की ओर। डीएम ने की गेहूं की कटाई और इस दौरान किसानों का हाल जाना। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने शनिवार को बजरिया प्रखंड के सिघिया सागर गांव में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार द्वारा प्रायोजित पंचायत स्तरीय रबी गेहूं फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से बात भी की और उनकी राय जानने की कोशिश की। रुकते अगली खबर की ओर। लगातार कोरोना के केसेस अब बढ़ते नजर आए हैं और इस दौरान प्रशासन भी कई कार्रवाई करता नजर आया। मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में आज कोविड-19 और जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हेतु विभिन्न पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन कराया, स्वास्थ्य के बारे में भी जाना, स्वास्थ्य व्यवस्था, जमीनी विवाद एवं अन्य मामलों में प्रशासन को सजगता से अपनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेवारियों को अवगत कराने के बारे में कहा। वहीं गंभीरता से लेने व कई कार्य पे ढिलाई न बरतने के बारे में भी निर्देश दिए। राजनीतिक दल उनको पहले अवगत कराया और हमारे पुलिस और प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी इसको अवगत कराया, तो उसका अनुपालन दृढ़ता के साथ उनको करना है। और पूर्वी चंपारण में जो है वैक्सीनेशन भी अच्छा होना चाहिए और टेस्टिंग भी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और विधि व्यवस्था की भी समीक्षा की गई ताकि आगे आने वाले समय में जो है पूर्वी चंपारण स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और बिहार भी है विकास में अग्रसर रहे। सामाजिक संस्थाएँ, सभी राजनीतिक दल उनको पहले अवगत कराया और हमारे पुलिस और प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी इसको अवगत कराया, तो उसका अनुपालन दृढ़ता के साथ उनको करना है। और पूर्वी चंपारण में जो है वैक्सीनेशन भी अच्छा होना चाहिए और टेस्टिंग भी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और विधि व्यवस्था की भी समीक्षा की गई ताकि आगे आने वाले समय में जो है पूर्वी चंपारण स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और बिहार भी है। वही बोधगया में भी कोरोना संक्रमित के एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इन कुछ दिनों में ही लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस बोधगया में बढ़ते नजर आए हैं। देश में 4 लाख हुए हैं संक्रमित मामले। वहीं गया जिले के बोधगया में बीते 4 दिनों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 25 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को 1, गुरुवार को 3 और शुक्रवार को 6, शनिवार को 15 पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए हैं। इन सभी को
होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। इसके बावजूद भी बोधगया के प्रशासन और पब्लिक दिख रही है लापरवाह। वही एक चोरी करता आरोपी पकड़ा गया और भीड़ ने अपने कब्जे में लेकर बुरी तरह से पिटाई कर डाली। पिटाई की वीडियो वायरल बताई जा रही है। चोरी कर भाग रहे युवक को बंधक बनाकर पिटाई की गई। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र के प्राणपुर में चोरी कर भाग रहे युवक को पकड़कर बंधक बनाने और पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना गुरुवार आधी रात की है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि प्राणपुर गांव के पश्चिम दिशा में उमेश यादव के घर से चोरी कर भाग रहे चोरों को घर वालों ने देख लिया, जिसके बाद चोरों को पकड़ने के लिए सभी दौड़े। सबसे आगे चोर को पकड़ने पहुंचे गृह स्वामी के पुत्र धीरज कुमार को तीन की संख्या में रहे चोरों ने पकड़कर पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद युवक के परिजनों व ग्रामीणों को आता देखकर चोर भागने लगे। भागने के क्रम में चोरी किया गया बक्सा भी फेंक डाला, जिसके बाद ग्रामीणों में कई आक्रोश देखने को मिला। वहीं भाग रहे चोर संजय मुसहर को भीड़ ने धर दबोचा, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों में उनकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं किशनगंज में शहीद हुई मां ने अपना दम तोड़ दिया। बता दें कि शहीद हुए पुत्र के गम में, उनके वियोग में मां ने दम तोड़ दिया। पूर्णिया से ये खबर सामने आई है, जहां प्रारब्ध की क्रूर मर्जी कहे या नियति का खेल। 10 अप्रैल की अगली सुबह वह बंगाल के पांचीपाड़ा थाना क्षेत्र के पंतापाड़ा में अपराधियों के हाथों शहीद हुए। किशनगंज टाउन थाना के थानेदार अश्विनी कुमार की मां ने पुत्र वियोग में दम तोड़ दिया है। शहीद इंस्पेक्टर की 75 वर्षीय मां उर्मिला देवी ने रविवार 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि पुत्र की हत्या के बाद से ही वृद्ध मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी और परिजन दूसरी अनहोनी की आशंका से चिंतित थे, जो सच साबित हुई। वहीं ग्रामीणों ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग करते हुए मां बेटे के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मौके पर मौजूद बनबनी की एसडीपीओ विभाष कुमार परिजनों को समझाने का प्रयास करते नजर आए। रुक करते अगली खबर की ओर। नेपाल के अंतिम राजा हरिद्वार पहुंचे हैं। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए वे हरिद्वार पहुंचे। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंच गए हैं। सबसे पहले नेपाल के राजा दक्षिण काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्जनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद नेपाल नरेश काली मंदिर के पूजा अर्चना की। उसके बाद अखाड़े के साधु संतों से उनका मिलने का प्रयास भी दिखा। इस प्रोग्राम में वे साधु संतों से मिलने का प्रोग्राम बनाए। कल नेपाल के राजा निरंजनी अखाड़े के शाही जुलूस के साथ शामिल होकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। यह पहला मौका होगा कि किसी देश का राजा संतोष के साथ कुंभ मेले में शाही स्नान करेगा। दुनिया में हिंदू जो राष्ट्र है वो एक केवल नेपाल मात्र राज्य है। तो वहाँ के पूर्व महाराजाधिराज और वहाँ के सम्राट ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव जी, जो वहाँ पांचवें नारायण श्री पांच की उपाधि से विभूषित हैं वो, और नारायण के रूप में उनको देखा जाता है। मुझे लगता है कि आज वो पहली बार भारत में इस प्रकार के आयोजन में, धार्मिक आयोजन में
प्रमुखता से भाग लेने आ रहे हैं और उनका निजी कार्यक्रम है ये। निजी कार्यक्रम के दौरे में वो दो दिन की तीन दिन के प्रवास में वो काली मंदिर परिवार में आ रहे हैं। दुनिया में हिंदू वही ना हर धर्म पहले आई सके छु इस पाली आचार्य जी ले निम्तो दिन भाई आभारी छु वहाँ गंगा में स्नान गर्न पाउँछु पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनता ले सबैलाई आशीष र शुभकामना लिएर आएको छु। नेपाली जनता ऐसा पहली बार होगा कि कुंभ में स्नान करेंगे शाही स्नान करेंगे त्यो चाहिँ नि पहिलो पटक हो। कितनी बड़ी मतलब आदर की बात मान्ने अपने लिए कि संतों के साथ शाही स्नान करना असाध्य पवित्र कुरा हो यो राम्रो कुरा हो होइन हर धर्म पहिले आई सके छु यसपाली रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शहीदों का बलिदान अतुलनीय है। सच में मोहिना सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों का बलिदान अतुलनीय है। पौड़ी जिले के चौबटा खान विधान सभा के अंतर्गत झगरबा ग्राम सभा में शहीद दलवीर सिंह राणा स्मृति द्वारा का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयस महाराज ने अपनी धर्मपत्नी मोहिनी कुमारी के साथ किया। आपको बता दें कि शहीद दलवीर सिंह प्रथम नांगा रेंजमेंट में हवलदार थे। वर्ष 1998 में कारगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी इस शहादत के लिए उनको भारत सरकार द्वारा सेना मैदान से नवाजा भी गया है। दलवीर सिंह राणा की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा शहीद द्वार बनाया गया। इस मौके पर उपस्थित शहीद के परिजनों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सुयस महाराज ने कहा कि शहीदों का बलिदान अतुलनीय है। मोहिना सिंह ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के वीर जवानों के त्याग को संपूर्ण देश नमन करता है। मंत्री जी सतपाल महाराज जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये जो शहीद द्वार बनाई है इसके बारे में पहले से इतने पता नहीं लग पाया कि जो है, लेकिन सडनली जब इसका प्रोग्राम बना तो हमने महाराज जी से बड़ा प्रयास किया। महाराज जी ने तुरंत मैंने राय सिंह जी को बहुत बार फोन किया, बहुत बार उन्होंने कहा भाई क्या हो सकता है, तो माननीय राय सिंह जी अपने दिल्ली गए, महाराज जी से उन्होंने वार्ता की। मैं राय सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ इस चीज़ में कि वो दिल्ली तक भी इस प्रोग्राम के लिए गए महाराज जी के पास, फिर सडनली मेरे लिए यहाँ से निमंत्रण आता है कि हमने 10 तारीख का प्रोग्राम कर दिया है क्या होगा। फिर मैंने फिर भाई साहब को फ़ोन किया राय सिंह जी को, और उन्होंने डायरेक्ट मेरी बात महाराज जी से कराई। महाराज जी ने कहा कि 7 बजे शाम को कि टमटा जी क्या हो पाएगा, मैं तो आ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर देख लो, पहले तो शहीद का मामला है, आपका आना बहुत जरूरी है, पर मेरा पहले ही प्रोग्राम लगा हुआ, मैं इसलिए नहीं आ पाता हूँ, बेटे को भेज दो। मैंने कहा सर प्लीज़ उनका हमको तो बहुत जरूरी, हमने ये चीज़ करनी है, शहीद का स्मारक है, इसलिए मैं माननीय महाराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मंत्री जी सब ग्रामवासी यहाँ उभरे हैं इस कार्यक्रम के लिए, जो स्मृति द्वार का उद्घाटन है उसके लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही आदर्श समाज जो दिख रहा है यहाँ, और जिन जिन्होंने अपने जीवन के का बलिदान दिया है देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। बैसाखी के मौके पर श्रद्धालु पाकिस्तान की ओर रवाना होंगे, खबर अमृतसर से सामने आई है, जहां 12 को पाकिस्तान रवाना होगा जत्था। बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालु कल SGPC ऑफिस से रवाना होंगे। आपको बता दें कि SGPC की तरफ से 769 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट भेज दिए गए हैं, जिनमें से 437 श्रद्धालुओं के वीजे लग चुके हैं। वही 356 श्रद्धालुओं के वीजे काटे गए हैं, 5 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल जिहड़ा सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान विखे विसाखी का दिहाड़ा मनाने वास्ते भेजा जाता, इस बारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 700
ਅਤੇ 93 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 437 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹ ਜਥਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਸਹਿਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਸਹਿਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇ ਕੇਸਿਸ ਬੜ੍ਹਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈੱਡ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਮ ਹੋਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੀਚ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੇਂ ਬੈੱਡ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ ਲੋਕ। कोरोना की दूसरी वेव ने छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है, साथ ही कई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की हकीकत भी सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हमेशा दावा करती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में छत्तीसगढ़ बेहतरीन राज्यों में से एक है, लेकिन लगातार बढ़ रहे मरीजों के बाद सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकारी दावों पर सवालिया निशान खड़ा होता दिख रहा है। लिहाजा अगर बात की जाए, हालात कुछ इस कदर बद से बदतर हो गए हैं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को इलाज के लिए उनके परिवार जनों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भारत सरकार की नाकामी का भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है और लोग काफी परेशान भी नजर आए। तो हमको कोरोना के संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। लगातार समाज विशेष के द्वारा, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा और आम जनता के द्वारा, विपक्ष के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, अस्पतालों को बढ़ाया जाए और कोविड बेड जो है, ऑक्सीजन बेड है, उसकी संख्या बढ़ाया जाए। आज पूरे रायपुर शहर के अंदर में लगभग सभी अस्पतालों के अंदर में बेड फुल हो चुके हैं और जो संक्रमित लोग हैं जिनको आज चिकित्सा की आवश्यकता है उनके पास बेड भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सरकार काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार मांग के बाद लॉकडाउन करना, काफी विलंब से लॉकडाउन करना, ये भी जनता के दबाव के बाद, तो मुझे लगता है कि सरकार को अब लोगों को सुविधा देने के लिए और उनके जीवन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक अस्थायी तौर पर, एक टेम्पररी तौर पर चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराना चाहिए, बेड्स की संख्या बढ़ाना चाहिए। कोरोना के संक्रमण काल में आज जो ऑक्सीजन के मरीज है, वेंटिलेटर के मरीज है, उनके लिए बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे समय के अंदर में हम लॉन्ग टर्म जो है परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो हमको एक अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, मास्क लगाने के साथ में सैनिटाइज़र का उपयोग करें, दूरी बना कर रखें, वैक्सीन लगाएं और जांच करवाएं। ये तीन काम को करिए, क्योंकि जितना जांच आप विलंब कराएंगे अगर कोई लक्षण मिलने के बाद में, तो आप गंभीर स्थिति के अंदर में पहुंचेंगे, ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए समय रहते जांच करवाएंगे, समय रहते इलाज होगा, आप स्वस्थ होंगे। छत्तीसगढ़ में 11,000 कोरोना के मामले आए हैं और देश में 1,45,000। रमन सिंह जी एक डॉक्टर होने के बाद ट्विटर पर एक ट्रोल बनकर बैठकर अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो उन्हें यह बताना चाहिए कि देश के बाकी 1,33,000 से अधिक मामले किसके कारण आए हैं। रमन सिंह जी खुद राजनांदगांव में क्रिकेट मैच में मुख्य अतिथि बनते हैं, बिना मास्क लगाए क्रिकेट खेलते हैं, उनके पुत्र भी वहां पर अतिथि रहते हैं और कांग्रेस पर महज आरोप मढ़ने के लिए ऐसी महामारी के समय इस स्तर की राजनीति,
बेहद दुखद है, आपत्तिजनक है। 15 वर्ष तक जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रहा है उससे ऐसी राजनीति की अपेक्षा नहीं की जाती। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी वेव ने छत्तीसगढ़ की सरकार की तमाम पोल खोल कर रख दी। अस्पतालों का हाल बद से बदतर नजर आया और लोग भी बेड के लिए परेशान नजर आए। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए 24 न्यूज के साथ।